पूर्वोत्तर रेलवे ने 1 जून से गोरखपुर रेलवे स्टेशन से चलने वाली 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन की तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसको लेकर स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए कर्मचारी अपने कार्यों को अंतिम रूप दे रहे हैं। जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 1 जून से चलने वाली 5 जोड़ी ट्रेनें प्लेटफार्म नंबर 2 से चलेंगी। यात्रियों को एसी लाउंज की ओर से गेट नंबर 1 और 2 में प्रवेश करना होगा। यात्री प्लेटफार्म से बाहर गेट नंबर 4 व 5 से जाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के दौरान सेकेंड एंट्री उत्तरी छोर व कैबवे से आवाजाही बंद रहेगी। स्टेशन पर आने और जाने का रास्ता अलग अलग किया गया है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा एयरपोर्ट की तर्ज पर टिकट की चेकिंग ट्रेन पर सवार होने से पहले ही कर ली जाएगी। ऐसे में कंफर्म टिकट वाले ही यात्रा कर सकेंगे। सीपीआरओ ने बताया कि गोरखपुर स्टेशन से गोरखधाम एक्सप्रेस, कुशीनगर एक्सप्रेस, LTT सुपरफास्ट, अवध एक्सप्रेस व गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी। यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। फिलहाल पूर्वोत्तर रेलवे अपने यात्रियों की सुखद यात्रा के लिए तत्पर है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, उपस्थित रहे सांसद एक जून से रेल मंत्रालय ने 200 ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जिसके क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के सिस्टम से कुल 46 ट्रेनें चलनी हैं। गोरखपुर से 5 जोड़ी ट्रेनें यानी कि 10 ट्रेनें चलाई जानी हैं। उनमें गोरखधाम एक्सप्रेस और 2541 जो LTT एक्सप्रेस है, यह कल यानी कि 1 जून को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 से जाएगी। अभी COVID-19 को देखते हुए गोरखपुर स्टेशन पर जो एंट्री और एग्जिट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। अभी जिन भी यात्रियों को इन विशेष ट्रेनों से यात्रा करना है उनके लिए मेन भवन, जो मेन बिल्डिंग है गोरखपुर स्टेशन की, उसके गेट संख्या 1 और 2 के रास्ते ही प्रवेश पा सकते हैं और निकास के लिए गेट संख्या 4 और 5 रखा गया है। इस दौरान सेकेंड एंट्री तथा कैबवे से प्रवेश और निकास वर्जित रहेगा। इसलिए सभी यात्रियों से निवेदन है, अनुरोध है कि जिनको भी यात्रा करनी है इस चीज़ का ध्यान रखें और साथ ही साथ जो सावधानियां रेलवे लगातार प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बता रही है उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। जैसे कि कंफर्म टिकट के साथ ही यात्रा करने के लिए आए, मास्क लगाना अनिवार्य है, 90 मिनट पहले स्टेशन आए जिससे कि थर्मल स्क्रीनिंग हो सके। अगर COVID-19 का कोई भी लक्षण पाया जाता है तो ऐसे किसी भी यात्री को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, हालांकि उनका टिकट पूरा रिफंड किया जाएगा। अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर चलें। हालांकि IRCTC द्वारा पेमेंट बेसिस पर पैक्ड फूड और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट रहेगा।
साथ ही साथ सभी स्टॉल जो भी खान पान के या विविध स्टॉल हैं वो स्टेशनों पर खुले रहेंगे। ट्रेनों में से पर्दे, कंबल, चादर हटा दिए गए हैं, इसलिए जिन किसी को भी आवश्यकता है अपने साथ चादर कंबल लेकर आए। साथ ही साथ आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड होना भी सुनिश्चित करें। यात्रा के दौरान तथा यात्रा के बाद आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करें। धन्यवाद।